हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड का कड़वा सच है, जिस भी चीज का निर्माण हुआ है एक दिन उसका अंत भी संभव है, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो या खुद ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। ब्रह्मांड के जन्म के बारे में सबसे प्रसिद्ध और मान्य थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। इन अ नटशेल बिग बैंग के बारे में बताऊं तो यूनिवर्स आज से लगभग 15 अरब साल पहले एक बिंदु में सिमटी हुई थी जो अनंत घनत्व और अनंत ताप का था। फिर एक विस्फोट हुई और ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ। पर अब कुछ फेमस थ्योरी इसके अंत को लेकर के भी हैं। नंबर वन, बिग क्रंच थ्योरी। वर्तमान में ब्रह्मांड फैल रहा है और ये फैलाव की वजह डार्क एनर्जी है। वर्तमान में डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण बल पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन बिग क्रंच सिद्धांत के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण से कमज़ोर पड़ जाएगी और सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागने के उल्टा गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड में सिकुड़ने लगेंगे और ब्रह्मांड एक अनंत डेंसिटी वाले बिंदु में समा जाएगा। हो सकता है कि उस इनफाइनाइट डेंसिटी वाले बिंदु फिर से एक बिग बैंग धमाका हो और फिर से एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो। बिग क्रंच थ्योरी के अनुसार यह एक इनफाइनाइट साइकिल है और ऐसा कई बार हो चुका है। नंबर टू, बिग फ्रीज थ्योरी। ब्रह्मांड में समय के साथ एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यानी ऑर्डर टू डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। बिग फ्रीज थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब एंट्रोपी उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी होगी। उस समय ब्रह्मांड में मौजूद सारे खगोलीय पिंड एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और उस समय ब्रह्मांड में मौजूद हीट बढ़ने लगेगी और ब्रह्मांड का तापमान कम होता जाएगा और सारे खगोलीय पिंड जम जाएंगे, जिसकी वजह से नए तारों के बनने के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाने लगेगा और बचे हुए तारे भी बुझ जाएंगे, लेकिन ब्लैक होल धीरे धीरे एवोपोरेट होते रहेंगे और कई सालों बाद ब्लैक होल्स भी खत्म हो जाएंगे और उस समय ब्रह्मांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नंबर थ्री, बिग रिप थ्योरी। जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है तब से यह फैलता ही जा रहा है। डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार उस समय तक होता रहेगा जब तक हर एक पदार्थ का परमाणु टूटकर बिखर ना जाए। बिग रिप सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी और ये गुरुत्वाकर्षण बल पर भारी पड़ते जाएगी, जिसकी वजह से डार्क एनर्जी सभी आकाश गंगाओं और उनमें मौजूद तारों और ग्रहों को चीर देगी। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ को सूक्ष्म कणों में तोड़ देगी। यह लगभग वैसे ही होगा जैसे किसी मिट्टी के ढेले के कण पानी में डालने पर घुल कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक रिप थ्योरी को सही मानते हैं, क्योंकि अभी तक के सभी निरीक्षण और प्रमाण इसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ऑफ यूनिवर्स के बारे में समझने में। और यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।